हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट्स, हम लोग जो पिछले लेक्चरर हैं उनमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्टेबलाइजेशन टेक्निक। तो स्टेबलाइजेशन टेक्निक पढ़ी थी कि स्टेबलाइजेशन टेक्निक जो हमारा जो क्यू पॉइंट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए जिन टेक्निकों का यूज करते हैं ताकि जो हमारा क्यू पॉइंट है उसका वेरिएशन नहीं हो विद रेफरेंस टू टेम्परेचर एंड बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर, कि जो हमारा टेम्परेचर है और बीटा है उसके कारण उसके उसके उसमें वेरिएशन के कारण हमारा क्यू पॉइंट में वेरिएशन नहीं हो, अर्थात हमारा क्यू पॉइंट स्टेबलाइज रहे। तो जो क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए जिन टेक्निक का यूज करते हैं उन टेक्निक को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन टेक्निक। तो स्टेबलाइजेशन टेक्निक दो प्रकार की होती हैं, पहली होती है कंपनसेशन सर्किट और दूसरा होता है बायसिंग टेक्निक। तो जो हमारा बायसिंग टेक्निक है इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फिक्स बायस सर्किट है और पहली टेक्निक, दूसरी है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट और तीसरी है सेल बायस सर्किट। तो हमारा जो फिक्स बायस सर्किट था, तो फिक्स बायस सर्किट का हमारा जो हम लोगों ने देखा था कि फिक्स बायस सर्किट हमारा वो अनस्टेबल है, वो सर्किट वो अनस्टेबल है और जो इसके अंतर्गत इसकी कमी थी कि फिक्स बायस सर्किट अनस्टेबल है। और हम लोगों ने यहाँ पर ही एक एस की वैल्यू निकाली थी, एस की वैल्यू आई थी 1 प्लस बीटा अपन इसके एस की वैल्यू 1 प्लस बीटा आर सी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर बी इक्विवेलेंट। तो हम लोगों ने पूरा लोग ये पढ़ चुके हैं। उसका सेकंड आया था कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। तो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट में उसमें एक कमी थी कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो हमारे आर बी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ था जिसके कारण नेगेटिव फीडबैक आ रहा था और जो नेगेटिव फीडबैक है ये गेन को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इस जो ये हमारा टेक्निक है इसको कम यूज़ में करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक आर बी रेजिस्टेंस रहा है और आर बी रेजिस्टेंस नेगेटिव फीडबैक देता है। तो रेजिस्टेंस आर बी इंट्रोड्यूस ए नेगेटिव फीडबैक एंड रिड्यूस द गेन ऑफ एम्पलीफायर, हेंस द सर्किट इज रियली यूज इन प्रैक्टिस। तो ये हमारी इसकी कमी थी कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। अब दूसरा हमारा टेक्निक है सेल बायस सर्किट या पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट। सेल बायस सर्किट के अंतर्गत हम लोगों ने आज पढ़ेंगे कि हमारा जो सेल बायस है या पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलरली यूज बायसिंग सर्किट होता है। अब इसके अंतर्गत दो जो सेल आर वन आर टू हैं दो वो सेल बायस रजिस्टर हैं और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जो हमारा आर वन की वैल्यू है, आर वन की वैल्यू आर टू से बहुत ज़्यादा है। द फंक्शन ऑफ बायसिंग रजिस्टर आर वन आर टू इज जस्ट टू प्रोवाइड ए बेस करंट, केवल इसका फंक्शन बेस करंट प्रोवाइड करने का होता है। आर वन आर टू मस्ट बी इन किलो ओम और मेगा ओम, आर वन आर टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम लोग यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है इस ये जो सर्किट है इसमें हम लोग थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे। थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा आर वन और आर टू दोनों पैरेलल में जाएंगे और हमारा आर इक्विवेलेंट होगा आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। और इसी तरीके से हम लोग ये सी को बोलते हैं आर टी एच, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा हमारा होता है वी टी एच, वी टी एच होगा आर टू बी सी सी डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। इस तरीके से हम लोग थेवेनिन थ्योरम लगा के वी टी एच और आर टी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग बायसिंग रजिस्टर इनपुट रजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर स्लाइटली डिक्रीजेस। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ आर ई, जो हमारा एमिट रजिस्टेंस है इसका एडवांटेज क्या है। पहला ये इसमें ये प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन, इसके अंदर ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। इंक्रीज इनपुट रजिस्टेंस टू ए वेरी लार्ज वैल्यू, ये इनपुट रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ये इसके कुछ फायदे हैं। अब इसका जो डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज के में इसके अंतर्गत आता है कि ये एक नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है आरी, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज गेन कम होता है। इट रिड्यूसेस द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर बिकॉज नेगेटिव फीडबैक अक्रॉस द एमिटर रेजिस्टेंस, इस कारण ये हमारा ये इसकी ये हमारी हानि है
कि जो हमारा आर जी रेजिस्टेंस है ये नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक के कारण जो वोल्टेज गेन हमारा कम होगा। अब मैंने आपको लोगों को बताया था कि हम लोग यहाँ थेवेनिन लगाया, थेवेनिन से VTH RTH की वैल्यू, VTH की वैल्यू आई थी हमारी आई थी VCR2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 तथा RTH की वैल्यू आई थी R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये आप लोगों को यदि इसको देखना है तो नेटवर्क में एक थेवेनिन थ्योरम को देख सकते हैं। अब हम लोग जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, जो बेस में IB करंट जा रहा है, एमीटर में IE करंट जा रहा है। अब देखते हैं, हम लोगों को पता है कि जो IE की वैल्यू होती है 1 प्लस बीटा IB होती है। हम लोगों को एमीटर करंट की वैल्यू बेस करंट के बेस करंट के टर्म में निकालनी है तो 1 प्लस बीटा IB होगा। अब VTH यहाँ पे केवल लगाया तो IB RTH प्लस VB प्लस IE RE, IE बराबर 1 प्लस बीटा IB, VTH बराबर होगा IB RTH प्लस VB प्लस यहाँ पर IE की वैल्यू पुट कर दिया तो ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ से हम लोग IB की वैल्यू निकालेंगे तो IB की वैल्यू यहाँ से आएगी VTH माइनस के VB डिवाइडेड बाई RTH प्लस 1 प्लस बीटा RE। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ाया कि जो हमारा कलेक्टर करंट होता है, कलेक्टर करंट को बेस करंट के टर्म में निकालते हैं तो IC बराबर beta into IB। और जो इसमें जो इक्वेशन में VTH है, VTH की वैल्यू हम लोग मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जब थेवेनिन लगाएंगे तो VTH की वैल्यू आएगी VCC R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और RTH जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब हम लोगों ने अब ये तो इनपुट में लगाया हम लोगों ने KVL, अब हम लोग आउटपुट में इसमें KVL लगा देंगे तो VCC बराबर होगा ICRC प्लस VC प्लस IERE। ये KVL लगा दिया। अब मान लो हमारा बेस करंट बहुत ज़्यादा है, बेस करंट यदि हमारा बहुत कम है तो IE की वैल्यू IC के बराबर होगी, IE की वैल्यू IC के बराबर होगी और VCE बराबर होगा VCC माइनस ICRC प्लस RE। और यहाँ इस तरीके से थेवेनिन का मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ। और हम लोगों ने एक इक्वेशन ड्राइव करी थी, जनरलाइज इक्वेशन एस की जनरलाइज इक्वेशन आई थी एस बराबर 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डेल IB डिवाइडेड बाई डेल IC। ये जनरलाइज इक्वेशन निकाली थी। इस इक्वेशन में हम लोग जो हमारा डेल IB और डेल IC की वैल्यू फुट कर देंगे तो हमारा ये S की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों को जो हमारा इनपुट मेस है उसमें एक KVL लगाना पड़ेगा और उसके बाद उसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएट करने के पश्चात में जो हमारा डेल IB है और डिवाइड बाई डेल IC, डेल IB और डेल IC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जो हमारा समय जो इस इक्वेशन है S बराबर 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डेल IB डिवाइडेड बाई डेल IC में ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब इसको इसमें पुट करने के पश्चात हमारा S की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने अभी आपको बताया है उसको हम एक बार इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जनरलाइज इक्वेशन हो गई, जनरलाइज इक्वेशन S बराबर 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डेल IB डिवाइडेड बाई डेल IC, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो हमारा KVL लगाएंगे, हमारा जो इनपुट मेस है इसमें KVL लगा देंगे। इसमें KVL लगाएंगे तो आएगा VTH। अब हमारा इसमें IB करंट जाएगा कलेक्टर में, IB RTH प्लस हमारा बेस और एमिटर के बीच में वोल्टेज है VB प्लस VB प्लस IE एमीटर का करंट इंटू RE। अब ये हमारा KVL लगा दिया। अब देखते हैं हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो, एक कांस्टेंट का अवकलन हमें पता है, कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, तो जीरो डेल IB डिवाइड बाई डेल IC RTH प्लस जीरो डेल IB डेल IC RE प्लस RE। अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे
और इसकी वैल्यू को निकाल डेल आई वी डिवाइड बाई डेल इसी की वैल्यू को निकालेंगे और इस सर्किट में जो हमारी इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एस की वैल्यू निकल किया जाएगी। तो आज हमारी क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।